अम्बाला नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य उप प्रधान ने आज सरकार द्वारा वादे न पूरे करने पर कहा कि 9 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। 12 जुलाई को प्रदेश की पालिकाओं परिषद निगमों में जोरदार प्रदर्शन कर सरकार द्वारा जारी किए गए कर्मचारियों के आईडी लेने के पत्र की प्रति को जलाकर पालिकाओं के सेक्रेटरी परिषदों के कार्यकारी अधिकारी डीएमसी व निगम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। सेवाराम बोत है और जो मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य उप प्रधान हूँ। जो हमारे आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि 6 जुलाई को हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक के अंदर जो सरकार द्वारा कर्मचारियों को शोषण करने की नीति अपनाई जा रही है उसके विरोध में आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ताकि जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा है वो हमारी बात जनता तक आप मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकें। तो जैसे कि सरकार द्वारा गुड़गांव के अंदर 26 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है, 3480 कर्मचारियों को बिल्कुल उनका रोजी रोजगार चूल्हे बंद कर दिए गए हैं, उसका विरोध हम कर रहे हैं। एक सरकार द्वारा कर्मचारियों से एक आईडी लेकर फोटो लेकर 311 ऐप शुरू कर रही है सरकार, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि ये क्या सरकार, मतलब कि ये कर्मचारी क्या चोर हैं जो इनके फोटो लेकर और मतलब कि एक हाजिरी लगाने का सिस्टम किया जा रहा है, जबकि जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र है, एसआई, एससीएसआई है, ईओज हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो सभी मतलब कि हमारे काम को चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं।